सात समुद्र पार कर मातृभूमि पर पहुंचे दंपति। मछली शहर जौनपुर स्थानीय नगर में एक दंपति अमेरिका से सात समुद्र पार कर अपने मातृभूमि पर पहुंचते ही परिजनों ने बड़े ही खुशी मन से गले लगाकर स्वागत किया। दंपति घंटों नगर में लोगों से बातचीत कर और नगर भ्रमण कर गदगद दिखाई पड़े। आपको बता दें कि अमेरिका में रह रहे एक दंपति असलम और उनकी पत्नी अलमास बानो मंगलवार को मछली शहर पहुंचे। नगर में पहुंचने के बाद दंपति पत्रकारों से बातचीत कर अमेरिका से अपने वतन आने की बात बताते हुए कहा कि मछली शहर में मेरा वतन है लेकिन कहां है नहीं जानता। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता प्रेमचंद विश्वकर्मा के घर पहुंचकर असलम अपने पिता और दादा का नाम बताकर मातृभूमि की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर अधिवक्ता ने अपने घर पर नगर के इकबाल रिजवी उर्फ गुड्डू और कुछ लोगों को बुलाकर उनसे मिलवाने के बाद परिजनों को जानने की कोशिश की, जिसके बाद इकबाल कुरैशी ने नगर के बुजुर्ग लोगों से बातचीत की तो पता चला कि अमेरिका से आए दंपति आपके ही खानदान के लोग हैं। मातृभूमि का पता चलते ही दंपति की आंखों में चमक आ गई और असलम और इकबाल एक दूसरे को गले लगाकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद इकबाल रिजवी ने असलम और उनकी पत्नी को सम्मान सहित अपने घर ले जाकर आवाभगत कर जामा मस्जिद शाही रोड जरी इमामबाड़ा और उनकी पैतृक चीजों को दिखाने के बाद नगर में भ्रमण कराया। नगर में भ्रमण करने के बाद दंपति पत्रकारों से बातचीत के दौरान मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैं अपने वतन आकर बहुत ही खुश हूं। इसके साथ ही असलम बार बार इकबाल रिजवी को गले लगाते हुए कहा कि आज मैं अपने परिवार के साथ हूं, यह पल सदैव याद रहेगा। असलम की पत्नी अलमास बानो ने कहा कि आज मैं अपने पति के वतन में मौजूद हूं। यह पल बयां नहीं किया जा सकता है। हम लोग अपने श्वसुर और उनके पिता के मुख से जौनपुर जिले के मछली शहर में अपना वतन होना सुनी थी लेकिन कभी देखी नहीं थी। अरसे से वतन आने की तमन्ना थी जो आज पूरी हो गई। इस दौरान इकबाल रिजवी ने कहा कि आज मैं अपने परिवार को अपने बीच पाकर बहुत खुश हूं। रिपोर्ट हाफिज नियामत पत्रकार। आइए, आज आप अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पहुँची हुई हैं जौनपुर जी, तो कैसा लग रहा है आपके आके? मैं तो यही कहूँगी अपना वतन अपनी मिट्टी वो खुशबू खींची लेकर खींच ले आती है। क्या उम्मीद थी कि हाँ मिल जाएगा या परिवार मिलेगा ऐसा कुछ? जिस तरह से मिस्टर अखिलेश ने बात की मुझसे तो उसे तो बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सवाल पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे और उनकी आवाज़ में एक तरीके से सुलझाव था और तसल्ली देने वाली बात थी, तो इसलिए आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। आप यहाँ पे पहुँची, आप लोगों से मिली भी, परिवार के लोगों से मिली और जगह को भी आपने देखा? जी देखिए, परिवार के लोग मतलब आप लोगों ने उसमें ज़्यादा ये किया, और वो जो वकील थे अंकल विश्वकर्मा, उनका भी ज़्यादा था। वो जो जैसे कहते हैं गुड्डू भाई वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया है हमारे असलम के ख़ानदान का, सो वो तो इट वाज अ वेरी बिग पॉइंट एंड वेरी कंट्रीब्यूटिंग पॉइंट टू इट। तो गुड्डू ने हम सभी लोग को जोड़ दिया। उसके बाद में पहले भी गुड्डू वाज एंड असलम आल्सो थे कि वो एक दूसरे को देख रहे थे कौन है हम एक दूसरे को। बाद में जब वो भाई भाई मिले तो मैंने कुछ चेंज देखा गुड्डू के इमोशनल, एंड एकदम से जब वो अपनायत दिखाई और पूरी खानदान से मिले बहुत खुशी हुई।